नमस्कार, आप देख रहे हैं बी टी वी बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनू सिंह। अभी मैं बिहार में नहीं बल्कि भारत का एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश की धरती पे अभी हम खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की उस धरती पे जो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले क्षेत्र ये कानपुर की धरती पे हम अभी आसीन हैं, अभी खड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि हम अभी ये LMC यानी ग्लोबल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी का सर्वेक्षण करने के लिए हम लोग अभी बेगूसराय से तकरीबन 8-10 LMC परिवार के सभी सम्मानित सदस्य यहां पे अभी मौजूद हैं। और आपने अभी सुना कि LMC अभी से कुछ दिन पहले हमारी BTV पे इनकी प्रचार भी आप लोग अभी देख रहे होंगे। और उस LMC होती क्या है, मैं उस चीज़ से आपको मैं रूबरू करवाता हूँ। और मैं यहाँ के जो ये गौशाला देख रहे हैं हमारे पीछे, इस गौशाला से सादा अर्क यानी हर एक मेडिसिन तैयार की जाती है। और यहाँ के जो तैयार करने वाले हैं, मैं उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे ये तैयार होती है। गौमूत्र से जो यहाँ पे जो इतने जो मवेशी हैं, जानवर हैं, सर कैसे तैयार की जाती है दवाई, कैसे निर्माण होता है सर मेडिसिन? गाय से जो गौमूत्र है, गौमूत्र से ही अपने सारी बीमारियों के लिए, 108 बीमारियों के लिए अपने यहाँ सादा अर्क पेटेंट है। TB है, कैंसर है, शुगर है, गांठिया बाट है, कोई भी XYZ बीमारी है उसमें लाभ 100% करता है। सर तैयार किए कैसे होती है ये औषधि? ये औषधि कलेक्ट करना पड़ता है गौमूत्र, और वाष्पन विधि के द्वारा धीरे धीरे उसका एक एक बूंद करके निकलता है। और यही औषधि हम सभी लोग प्रयोग करते हैं। सेवन करने से होता क्या है? सेवन करने से बीमारियाँ हमारी नष्ट होती हैं। TB है, कैंसर है, शुगर है, अम्लपित्त है, कामला है, हास्टेरिया है, दमा है, श्वास है, खांसी है, गैस है, और चमड़ी रोग है। यानी कोई भी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, और जो स्वस्थ रहना चाहता है तो हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। दवाई वगैरह जो ये गौमूत्र यानी गाय से जो बनती है, उनके जो जो निर्माण हो रही है, वो देखिए कि ये प्रखली है। और बहुत सारा यहाँ पे देखिए कि दवाई यहाँ पे रखा भी हुआ है, इसमें जो बहुत सारे दवाई हैं, ये सादा अर्क है और सारे दवाई हैं। सर इसका हम इस्तेमाल अभी अपने अंदर कर सकते हैं, पी सकते हैं, इसको तुरंत कर सकते हैं। और तुरंत करने के बाद, और जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे अपने यहाँ माँ बहनों की डिलीवरी आज अस्पतालों में हो रही है, तो हम अपने गौमूत्र और गोबर से ही डिलीवरी करवा सकते हैं और पैसा खर्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर इस मशीन का क्या नाम है सर? ये सर सीलिंग कैप सीलिंग मशीन है। इसमें क्या बनती है? इस पे सर बोतल में जो कैप लगती है उसकी सीलिंग होती है। बस सीलिंग होती है प्लस चूड़ी, इसको जो बनती है चूड़ी, वो काम होता है इससे। LMC कंपनी के ग्लोबल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग हेड सत्यनारायण सर भी हमारे समक्ष मौजूद है, और इनसे जानेंगे कि आपने इस कंपनी को आखिर क्यों चुना सर, क्या इस भारतवर्ष के लोगों के साथ आपकी लगाव थी सर? इस कंपनी को, LMC को, प्राइवेट कॉन्सेप्ट को आपने भारतवर्ष के आवाम नागरिकों के लिए क्यों चुना सर? इसलिए कि गरीबों का कम पैसे में इलाज हो सके, और हमारे देश में गरीब लोगों का भला हो, कल्याण हो, और हमारी गाय बच सके, क्योंकि गाय की बहुत दुर्दशा है हमारे देश में। और जो कि हमारी गाय एक चलता फिरता औषधालय है, जिसको आज लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत नज़रिए से देख रहे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने मिल करके इसको ग्रुप बनाया, ताकि हमारे देश की गाय बच सके और जन समुदाय को कम से कम पैसे में ट्रीटमेंट हो सके। जैसे लाइलाज बीमारियां, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के लिए हमने ऐसे ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध कराई लोगों को, ताकि उनकी जान माल के खतरे से बच सकें। LMC कंपनी के संदर्भ से भी हम ये कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर मैथा में भी हम खड़े हैं, और यहाँ के जो LMC के जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हैं, दुकानदार हैं, यहाँ पे दुकान जो वहाँ से बंद करके दवाई आती है, और
लगी हुई है, एलर्जी का सभी मेडिसिन यहाँ पे सजा हुआ है और ये बिक्री का काम करते हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश कानपुर उज्जैनी से बीटी बिहार न्यूज़ सोनू सिंह।